स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर पोरनोमियल क्लास टेन फर्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइव इज द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोरॉमील एक्स स्क्र माइनस के एक्स माइनस फिफ्टीन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्र माइनस के एक्स माइनस फिफ्टीन और एक जीरो है हमें फाइव फाइव इज गिवन वन जीरो सो इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल सब्स्यूट द वैल्यू ऑफ फाइव हेयर इन प्लेस ऑफ एक्स तो ये जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो हो जाएगा सो वी विल सबशूड दिस फाइव स्क्वेयर माइनस फाइव इंटू के माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो सो फाइव स्क्वेयर इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव के माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो जब हम सब करेंगे ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन को तो ये रह जाएगा माइनस फाइव के प्लस टेन इक्वल टू जीरो सो हमारे पास आ जाएगा फाइव के इक्वल टू टेन और के वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू सो लेट अस चेक हेयर विच इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट ए इज द राइट ऑप्शन के की वैल्यू टू आएगी सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क् प्लस ए एक्स प्लस बी वेअर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है आर तो अगर हमारे पास पोलोमिल ये है जिसमें ए और बी दोनों पॉजिटिव हों मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ए ए को मैंने थ्री लिया और बी को टू तो इस केस में जो हमारे पास जीरोज आएंगी वो इस फॉर्म में आएंगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ठीक है इस फॉर्म में आएंगी तो जो जीरोज होंगी वो बहुत नेगेटिव होगी यहाँ से ये फैक्टर्स है ये दोनों फैक्टर्स हैं तो उसकी जो जीरोज आएंगी वो आएगी माइनस ए और माइनस बी तो दोनों इसकी जो जीरोज हैं वो नेगेटिव होंगी सो आंसर विल बी हेयर बो जीरोज विल बी नेगेटिव देन थर्ड क्वेश्चन इज इफ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क् प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड करनी है यहाँ पे सो so यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे सम ऑफ़ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का क्योंकि हमारे पास दो जीरोज ही बने और यहाँ पे जो ए है वो एक्स का कॉफिशेंट है ए प्लस बन और बी जो है वो कॉन्सटेंट ऑम है सो so यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास होता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए तो अगर हम इसमें कंसिडर करें तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास आएगा टू और माइनस थ्री टू माइनस थ्री जो माइनस वन हो जाएगा और माइनस बी माइनस बी हमारे पास है माइनस ए प्लस वन ओवर वन सो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस ए एंड माइनस वन सो यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी ये कट जाएगा तो ए एक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास जो ए है वो ज़ीरो आएगा और सिमिलरली सेकेंड हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे जो होता है सी अपॉन ए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास जीरोस हैं तो उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस सिक्स और सी सी हमारे पास है बी बी अपॉन ए मीन बी अपॉन वन सो बी हमारे पास हो जाएगा माइनस सिक्स तो ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू माइनस सिक्स है तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं कौन सी है ये थर्ड वाली ऑप्शन लास्ट फोर्थ ऑप्शन है ए जीरो एंड बी माइनस सिक्स अब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में हमें गिवन है गिवन दैट वन जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉल्नोमियल ये आपके पास क्यूबिक पॉलोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्स सी एक्स प्लस डी इज जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज मीन्स हमारे पास क्यूबिक पॉलोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क् प्लस सी एक्स प्लस डी और हम ये सपोज करते हैं कि इसकी जो जीरोज हैं वो हैं अल्फा बीटा और गामा और एक जीरो जो है वो जीरो है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो हम यहां पे यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और जो होता है इक्वल टू सी अपन यहां से हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन ऑन ए के बराबर सो नाउ हियर बिकॉज वन जीरो इज अल्फा तो ये सारी टर्म बिकॉज अल्फा है तो जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी ये प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा बीटा इन गामा इक्वल टू सी अपने तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रिमेनिंग जीरो तो हम आंसर चेक करते हैं इसमें यहां पे हमारे पास बी ऑप्शन सी एप ए दिस इज द राइट आंसर है राइट चॉइस नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इज इन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सक्र प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगीव ऑफ द अदर इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरी हो जाएगी माइनस अल्फा तभी एक दूसरे का नेगेटिव होगा देन इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्सटेंट इज नेगेटिव हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्सटेंट टर्म इज पॉजिटिव कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कॉन्सटेंट टर्म इज नेगेटिव कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव तो इसका मतलब लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है कि लीनियर टर्म होगी जिसका जो पावर है वन मीन्स यहाँ पे लीनियर टर्म होगी ए एक्स स्क्र क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो वन है एक्स की पावर वन होगी यहाँ पे तो इसे हम लीनियर टर्म कहेंगे तो जब हमारे पास एक अल्फ़ा है दूसरा उसका नेगेटिव है तो वहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पोर्नोमिल जब भी बनेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा माइनस वो आएगा बिकॉज इज पॉजिवन जीरो माइनस एस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो जब जीरो है तो ये लीनियर टर्म खत्म हो जाएगी तो यहां पे जो कंडीशन आएगी कि हैज नो लीनियर टर्म इन दोनों में से हैज नो लीनियर टर्म और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होगी सो हियर राइट ऑप्शन इज ए That it has no linear term and constant term is negative. Next question हैज If लिनियर टर्म एंड कॉन्टेंट ट जीरोटि इज माइनस थ्री दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो ये सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास एक जीरो गिवन है माइनस थ्री हम एक्स की जगह माइनस थ्री पुट करके इक्वल टू जीरो करेंगे बिकॉज जीरो का मतलब होता है कि अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू माइनस थ्री सब करेंगे एक्स की वैल्यू तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा के माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री के प्लस वन इक्व टू जीरो हमने एक्स की जगह सब शूट कर दिया माइनस थ्री तो ये हमारे पास आएगा नाइन इंटू के माइनस वन माइनस थ्री के प्लस वन इक्व टू जीरो नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो लाइट टर्म्स है माइनस नाइन के और थ्री के सिक्स के रह गया माइनस नाइन और वन माइनस एट इक्वल टू जीरो तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी एट बाई सिक्स जो कट के हो जाएगी फोर बाई थ्री तो के की वैल्यू आनी चाहिए फोर बाई थ्री सो द ऑप्शन इज ए विच इज द राइट आंसर हेयर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन The number of polynomials having zeros as minus two and five. तो बच्चों remember one thing कि जब हमारे पास polynomial की zeros given हो two zeros हो तो इसमें हम बहुत सारे polynomials generate कर सकते हैं तो इसका answer आएगा more than three। बहुत सारे थ्री से ज़्यादा भी हम पोलिनोमियल्स जो हैं वो इसमें लिख सकते हैं तो आंसर आएगा मोर देन थ्री सो दिस डी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर देन क्वेश्चन नंबर एट

सो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बिच इक्व टू माइनस बी ए होता है और बी इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्र तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए के बराबर बिकॉज दिस इज द कंडीशन तो ये माइनस ए के बराबर हो जाएगा एंड इफ यू सब द वैल्यू हेयर तो माइनस वन प्लस बीटा प्लस गामा इक्व टू माइनस ए सो बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ द रिमेनिंग टू जीरोज इज माइनस ए प्लस वन ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई अब सेकेंड हमें पूछा है यहां पे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज तो वो एक ही कंडीशन से आता है दोबारा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कॉन्स्टेंट टर्म ओवर सॉरी दिस कॉफिशेंट ऑफ एक्स एक्स ओवर दिस मीन्स यहां पे होता है सी अपॉन ए सी अपॉन ए मीन्स बी तो हमारे पास कंडीशन होती है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बी होगी बिकॉज सी जो है इसमें वो है कॉफिशेंट ऑफ एक्स अब यहां पे भी अगर आप सब्स्यूट करो अल्फा की जगह माइनस वन सब्सूट करो तो ये हमारे पास मैं सीधा सॉल्व करता हूं यहां से हो जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा गामा और यहां हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल्स टू बी तो अब हम यहां पे देखें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बीटा गामा माइनस हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस यहां पे ये गामा है अल्फा की वैल्यू पुट की है ये अल्फा हो जाएगा इक्वल टू बी तो ये हमारे पास आएगा बीटा गामा मींस प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू जीरोस ये मैं वैल्यू सब कर रहा हूं यहां से तो हो जाएगा मेरे पास माइनस ए प्लस वन इक्व टू बी और अगर इसमें सॉल्व करूंगा या दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो टू बी माइनस ए प्लस वन तो इसको हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे तो ये इसका आंसर आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू जीरोज इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस वन तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन सी ऑप्शन होगी दिस ऑप्शन बी माइनस ए प्लस वन सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हेयर देन क्वेश्चन नंबर नाइन इफ़ वन जीरो ऑफ़ द पोलोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो स्टूडेंट्स रिमेंबर ईयर वेन एवर द रेसिप्रोकल जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ़ ईच अदर और ये खासकर क्वाडिटी पोलोमियल में ही ये कंडीशन पूछी जाती है तो इस केस में जैसे हमारे पास है फाइव वाई स्क्र प्लस थर्टीन वाई प्लस एम और हमारे पास ज़ीरो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरी वन ओपन अल्फा होगी तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है इक्वल टू सी अपॉन a तो c यहां पे m है और a 5 है और ये कट जाएगा तुम्हारे पास वन इक्वल टू सी अपॉन ए मीन एम अपॉन फाइव तो यहां से m की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी लेट अस चेक द आंसर सो हियर c इज द राइट ऑप्शन 5 देन क्वेश्चन नंबर 10 गिवन दैट टू ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पोलोमियल आर जीरो दैन द वैल्यू ऑफ सी अगर आप यहाँ पर देखें कि टू वैल्यूज जो हैं टू ज़ीरोज़ ज़ीरो हैं मीन सफ अल्फ़ा बीटा अगर की हम बात करें अगर इसकी अल्फ़ा बीटा एंड गामा थ्री ज़ीरोज़ हैं और इसमें से टू जीरोज़ अल्फ़ा भी ज़ीरो हो गया और बीटा भी ज़ीरो हो गया तो उसने कहा है कि सी क्या होगा वट विल बी द वैल्यू ऑफ सी हेयर स्टूडेंट इसको हम स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलॉमिल से कंसिडर करें तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा प्लस गामा होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ़ टू जीरोज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी अपॉन ए तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ समू जीरो से तो यहां से हमें गे है कि अल्फ़ा बीटा अगर फर्स्ट टू जीरो जो जीरोज है वो जीरो है मीन्स अल्फा बीटा जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो होगी देन यहां से हमारे पास आता है कि बीटा और गामा बिकॉज बीटा जीरो है तो बीटा और गामा का प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा प्लस जीरो प्लस अल्फा इंटू गामा क्योंकि अल्फा जीरो है तो ये भी जीरो हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए तो जो सी की वैल्यू आएगी यहां पे वो इक्वल टू जीरो होगी तो यहां पे आंसर आएगा कि द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो सो राइट ऑप्शन इज सी हेयर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वाटेटिव पॉर्नोमिली थ्री एंड टू एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सो इस केस में हम सीधी कंडीशन लगाते हैं जब भी हमें क्वाडेटिव फॉर्नोमिल फाइन करना तो हमारे पास कंडीशन होती है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी एस जो है वो समोस जीरोज है पी इज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सो हेयर समोस जीरो इज थ्री तो वी वी राइट एयर एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू सो बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ जीरो टू है तो राइट right ऑप्शन कौन सी होगी इसमें से दिस आई स्को दिस इज

एंड प्रोडक्ट ऑफ़ जीरोज़ बीटा फाइंड करेंगे वो बनेगा माइनस फोर्टी अब दोबारा सेम कंडीशन एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी अगर हम इस कंडीशन से देखें तो एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस थ्री तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया फोर्टी तो इक्वेशन एक जो पॉलिनामिले बनेगी एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस फोर्टी सो लेट अस चेक द राइट आंसर एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस फोर्टी सो दिस D option is the right option here. Now next question is question number thirteen. The number of polynomials, the number of polynomials having zeros one and minus two. Again the same question that how many polynomial we can generate from these two zeros. So again the answer is more than three, or you can say infinite. So more than three. This this is the right option here. Question number fourteen now. the zero of a quadratic polynomial zeros of the quadratic polynomial this x square plus kx plus k where k not equal to 0 so here in this case here you can see here that the coefficient of x is k and constant term is also k means coefficient of x and constant term are same here so in this case to find the zeros we will use quadratic formula x equals to Minus b plus minus under d upon 2a. This is the quadratic formula, and the value of d, d, you know, this is b square minus 4ac. So whenever we solve by this, because in this case d is not equal to zero, it will have some value. So here we will get the two values, two values of uh, this two zeros. So here options are both cannot be positive, both cannot be negative are always equal or always unequal so here we can say that because here in this case when we are solving by this formula so one value will be negative and one value will be positive so we can say that both cannot be negative here so this is the right option here question number 15 now the degree of a degree of remainder rx when px which is bxq plus cx plus d is divided by a polynomial of degree 4 so you see here that here the dividend is having power 3 and the divisor is of degree 4 so students remember one thing that we cannot divide a polynomial whose degree is less than the degree of divisor so here if we divide a polynomial with degree higher than the degree of dividend then the value of a yeah, degree degree of the remainder will be equal to the degree of polynomial so here because the degree of this polynomial which is called dividend is 3 so here also the degree of remainder will be equal to 3 so answer is here that the degree of this will be equal to 3. Student question number 16 is If the graph of a polynomial intersects at x axis at exactly two points, then it has it cannot be a linear or a cubic polynomial, can be a quadratic polynomial only, can be a cubic or quadratic polynomial, can be a linear or quadratic polynomial. Now, because here it is given that a polynomial, this is a polynomial, and the graph is intersecting at two points. Now, we are not Exactly know that which type of graph is this a parabola or any other graph. So, because there is a confusion of the graph because the graph is not exactly defined here, so we can say that this can be a cubic because for cubic it can intersect at two points or more, and for quadratic polynomial it will intersect at exactly two points, but in this case will be of cubic polynomial also. I will show you one graph here. Students, you can see this graph here. Here, the point is intersecting at exactly two points, but we cannot say that this is for the quadratic polynomial only. So, it can be of cubic polynomial. So, this is the example here because they are not asking about a particular graph, they are simply shown here that they are asking for a graph which is intersecting at two points, exactly at two points. So, I have shown you. That because here the option will be can be a cubic or quadratic polynomial so c option is the right option here now next question is if one zero the quadratic polynomial x square minus 5x plus k is minus 4 then find the value of k again we will substitute the value of k uh, x here minus 4 and we will find the value of this so it is x square Minus 5x plus k. So we will substitute because 1 0 is minus 4, we will substitute this value minus 4 all square minus 5 into minus 4 plus k equal to 0. 0 means this because the minus 4 is a 0. So when we substitute this value of minus 4 in x, this whole polynomial will become 0. So here 4 square is 16 and 5 fours are 20 plus k equal to 0. So k equals to minus 36 so the value of k is -36 here now let us check the answer so here b option is the right option here question number 18 is if a polynomial of degree 6 is divided by a polynomial of degree 2 then the degree of the quotient so i will show you this one example here this is a polynomial of degree 6 and divided by a polynomial of degree 2 so when we divide this here the quotient is x raised to power 4 so x raised to power 6 will come it will cancel now. Next number will come now that this division go on. So here this is the highest power of this quotient. So degree of quotient will be four. So answer is is equal to four. So D option is the right option is equal to four. Now question number nineteen is which of the following is not a graph of a quadratic polynomial? So for quadratic polynomial the graph will be a parabola it may be upward or it may be downward so here this because first second third these are the parabolas and this last option is not a parabola so answer is d option here that this is not a graph of quadratic polynomial and this is the last question a quadratic polynomial be sum and product of its zeros as 8 and minus 9 will be so because the quadratic polynomial is x square minus sx plus p because sum of zeros is 8 so it is x square minus 8 and product of zeros minus 9 so it is minus sign so polynomial is x square minus 8x minus 9 so this is the quadratic polynomial so let us check the answer now here option is here b x square minus 8x minus 9 so right option is b so these are some multiple choice questions from chapter polynomial thank you